हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। आकृति में कोण पी ज्ञात कीजिए। ये चित्र आपका दिया है। एक त्रिभुज है एबीसी, जिसकी एक भुजा 3.8, एक भुजा 6 और एक भुजा 3 × √3। ये कोण 60, ये कोण 80। और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी एक भुजा 6√3, इसकी 12, इसकी 7.6। यानी हमको क्या दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं। तो अगर समरूपता की बात करी जाएगी तो फिर हम लोग क्या होती है समरूपता, एक एंगल एंगल वाला होता है, एक साइड साइड वाला और एक साइड एंगल साइड वाला। तो तीनों साइड पता है, तो अगर हम समरूपता चेक करेंगे तो ये वाला समरूपता चेक करेंगे। तो ये हमारा डिसाइड हो गया कि हम साइड के बारे में सोचेंगे। तो इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसके कोण पता है, अगर ये इसके समरूप हो जाए तो समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमको ऐसे भी लग रहा है कि ये 6 से क्या हो गया, 12 हो गया, और ये 3 × √3 है, ये 6 × √3 हो गया, और ये 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6। कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग BC/PQ। BC क्या है 6, PQ क्या है 12, ये कितना आ गया 1/2। हम लोग देखते हैं AC/PR। AC कितना है 3 × √3, PR क्या है 6 × √3, √3 खत्म, ये 1/2। AB/RQ 3.8/7.6, तो 38/76, 1/2। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC/PQ = AC/PR = AB/RQ। ये क्या है, तीनों साइड का जो अनुपात है वो बराबर है, दोनों त्रिभुज में जो संगत भुजाओं का अनुपात है। और हम लोग यहाँ पे BC/PQ ही क्यों लिखे, क्योंकि हमको लग रहा है कि जो BC लेंथ है ये 6 से 12 हो गया, तो इसके संगत PQ ही होगा, ऐसा गेस आपको लगाना रहेगा। नहीं, BC के नीचे आप अगर PR लिखेंगे 6√3 तो ये रेशियो कुछ और आ जाएगा, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको पहले क्या है गेस करना रहेगा थोड़ा सा कि कौन चेंज होके, क्योंकि एक फिक्स नंबर से सारे भुजाएं मल्टीप्लाई होगी, तो एक कोई 2 गुना हुआ होगा तो दूसरा भी 2 गुना हुआ होगा, तीसरा भी 2 गुना हुआ होगा। तो उस हिसाब से हम संगतता पहले ही ढूंढ लेते हैं। हमको लग रहा है कि ये 6 से 12 हो गया, और ये 3.8 से 76 2 गुना हो गया, और ये 2 गुना होके ये हो गया। तो हमको संगतता ढूंढ ले, तो ये रेशियो 1/2 हम डायरेक्टली कह ले गए। तो दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान है, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब थोड़ा रुकते हैं, हम लोग देख लेते हैं A के संगत क्या है। A के संगत क्या है, कहां से देखेंगे हम लोग, AC/PR। ये जो AC है ये क्या है, PR। और यहां AB क्या है, RQ। देखिए AB किसके, ये है AB, ऐसे देख लीजिए, ये AB RQ के संगत है, RQ के संगत AB है। यहां से हम लोग देख रहे हैं AB RQ के संगत AB है, और PR के संगत AC है।
ये PR है, इसके संगत क्या है AC है, ऐसे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग कह पाएंगे कि A किसके संगत है, इसमें AR पे फिट बैठेगा कि P पे फिट बैठेगा। तो देखिए ये AC है और ये AB के संगत है, तो ये क्या क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या है A कॉमन है। तो ये R के अगर संगत होगा तो ये दोनों इसके संगत हो जाएंगे। तो A किसके संगत है, R के संगत है। तो संगतता थोड़ा ढूंढने में मुश्किल भी लग सकता है आपको, कठिन भी लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप क्या करेंगे, दो साइड देख लेंगे कि कोई भी दो साइड उठाइए, हमने AC दिखाया वो PR के संगत, उसको साइड में लटका दिया कि AC जो है ये PR के संगत है, AB RQ के संगत है, RQ के संगत AB है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि A कहाँ होगा, ये A कॉमन है, ये AC जाएगा और ये AB जाएगा। तो कहने मतलब ये AC जाए या ये AB जाए, A तो ये कन्फर्म हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं B, A R के संगत है, B A अगर R के संगत है तो काम खत्म हो गया, एक संगतता आपने ढूंढ लिया। A R के संगत है तो AB अपान RQ, AB RQ के संगत है तो A R के संगत है तो B किसके संगत होगा, Q के संगत होगा, B किसके संगत है, Q के संगत है, और जो बाकी बचा C वो तो जो बाकी बचा होगा इसमें उसी के संगत होगा, P बचा है। तो त्रिभुज ए बी सी संगत, अब देखिए यहाँ पे A के जगह पे क्या है, A के संगत R, B के संगत Q, C के संगत P, R Q P, ये दोनों त्रिभुज हम लोग क्या हो गया, समरूप हो गया। और संगतता आप समझेंगे कि R के संगत क्या है A, Q के संगत B और P के संगत C है। ये हमको कहाँ से मिला, साइड 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 समरूपता कसौटी से, ये समरूप हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, हमको कोण P निकालना है। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P के संगत क्या है, ये P ये C, कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण C संगत कोण, कोण P बराबर कोण C। और कोण सी हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि तीनों का दो पता है, तो ये तीनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो कोण सी क्या हो जाएगा, कोण पी बराबर कोण सी, और कोण सी क्या होगा, 180 से आप 60 प्लस 80 घटा दीजिए, यही आपका होगा, क्योंकि दो कोण त्रिभुज में पता हो तो तीसरा कैसे निकालते हैं। ये कोण आपका हो जाएगा 180 से ये घटा दीजिए आप 60 प्लस 80, तो ये आपका आ जाएगा 140, ये 40 डिग्री आ गया, तो ये आ गया 40 डिग्री, कोण पी आपका क्या आ गया, 40 डिग्री। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया समरूपता पे, तीनों साइड पता थे तो साइड का रेशियो, और मन में ही पहले देख लेना रहेगा कि कौन किसके संगत जा रहा है। फिर उसके बाद संगतता चेक करने के लिए, जब यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखने चलेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप, तो संगतता देखने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे, दो साइड ले लेंगे। अब दो साइड में एक साइड ये जा रहा है, एक साइड ये, मतलब एक ए सी होगा एक ए बी होगा। अब ये ए सी है कि ये ए बी है, इससे मतलब नहीं, लेकिन हमको पता है कि ये ए हो गया कन्फर्म, यानी आर के संगत क्या हो गया, ए। अब एक पता चल गया R के संगत A है तो B के संगत Q होगा। फिर उसके बाद संगत भाग बराबर होते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।